हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब करें फ्री में हमारा चैनल और दबा दें साथ इस बेल के निशान को आने वाली हर नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि गूगल एनालिटिक प्रॉपर्टी ट्रैकिंग आईडी क्या होती है और इसको किस तरह क्रिएट करते हैं और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपने हमारे चैनल टेक्निकल शिराजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मिलेगा आपको बेल का निशान, उसको भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, इस आईडी के ये फ़ायदे होते हैं कि जब भी कोई आपका व्यूवर्स या फिर आपका कोई सब्सक्राइबर YouTube को ओपन करता है तो उसके सामने आपकी वीडियो आती रहती हैं। जैसे आप YouTube को ओपन करते हैं तो आपके सामने काफ़ी वीडियो आती हैं जो दो चार महीने पुरानी होती हैं, छः छः महीने और एक एक दो दो साल पुरानी होती हैं वीडियो, और वो आपके सामने आती रहती हैं। इसी तरह आपकी वीडियो भी उनके सामने आती रहेंगी, जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं या कितने भी आपके व्यूवर्स हैं उनके सामने आपकी वीडियो आती रहेगी और वो आपकी वीडियो को क्लिक कर सकता है, वीडियो देख सकता है और उसका वॉच टाइम भी आपको मिल सकता है। तो फ्रेंड, इसलिए इसका आईडी का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको किस तरह क्रिएट कर सकते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपके पास आपके चैनल का लिंक होना ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले अपने चैनल में लॉगिन हो जाएं। लॉगिन होने के बाद जो इसका लिंक है आप उसको कॉपी कर लें। जिन फ्रेंड्स को पता नहीं उनको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ मैं चला जाता हूँ माई चैनल में। आपने चला जाना माई चैनल में। माई चैनल में जाने के बाद आपको ये ऊपर जो लिंक दिखाई दे रहा है www.youtube.com और इसके आगे भी लिंक आएगा। अभी थोड़ी देर में मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है तो ये जैसे ही ओपन होता तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और उस लिंक को आपने कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद फिर आपने इसकी आईडी क्रिएट करनी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा चैनल ओपन हो गया। शिराजी स्पोर्ट्स के नाम से हमारा एक और चैनल है। अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम इसमें भी अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलो फ्रेंड्स, हम यहां से इस चैनल का लिंक कॉपी कर लेते हैं। ये ऊपर वाला लिंक है, आपने इसको कॉपी कर लेना। मैं इसको पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरे को, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने फिर चला जाना है क्रिएट स्टूडियो में। क्रिएट स्टूडियो को क्लिक करना है। क्रिएट स्टूडियो को क्लिक करने के बाद आप चले जाओगे यहाँ वीडियो मैनेजर में। वीडियो मैनेजर में जाने के बाद आपको नीचे यहाँ मिलता है चैनल, आपने इस चैनल पर क्लिक करना है। चैनल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे फिर मिल जाएगा एडवांस। तो आपने इस एडवांस सेटिंग में चला जाना, एडवांस पर क्लिक करना है। जैसे एडवांस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ नीचे ये आ जाएगा गूगल एनालिटिक प्रॉपर्टी ट्रैकिंग आईडी। तो अब मैं बताता हूँ कि आपने इसको किस तरह क्रिएट करना है। तो आपने चला जाना अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में। तो यहाँ से मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ। गूगल को ओपन करने के बाद आपने यहाँ सर्च करना है गूगल एनालिटिक। ठीक है, आपने सर्च कर लेना गूगल एनालिटिक्स और इसको आपने सर्च करना। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो ये जो ऊपर आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है आपने इस पर क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ पेज ओपन होगा कुछ इस तरह से। तो आपने अपने चैनल से लॉगिन हो जाना। इसमें पहले मैं आपको यह दिखाता हूँ, थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है, सर्विस नहीं आ रही। तो ये देखो लोडिंग होना शुरू हो गया है। ये देखो फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा और आपको यहाँ मिल जाता है साइन अप का बटन। तो आपने साइन अप पर क्लिक करना है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देख रहे हो, आपके सामने बिल्कुल ऐसे ही आएगा। तो यहाँ आपको मिल जाता है कि माई न्यू अकाउंट नेम, यानी आपने अपने चैनल का नाम यहाँ दे लेना, जो आपके चैनल का नाम है। तो मैं यहाँ दे देता हूँ शिराजी स्पोर्ट्स। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे आपने अपने चैनल का लिंक पेस्ट करना है। यहाँ भी आपने पहले नाम ही दे देना, अपने चैनल का ही नाम जो है। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे आपने अपने चैनल का लिंक देना। यहाँ मैं चैनल के लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ एक और बात आपने ध्यान में रखनी, ये जो लिखा हुआ है साथ HTTP, इसको आपने चेंज करना है। ये जो नीचे वाला आपने इसको सिलेक्ट करना, ऊपर वाले को नहीं, ये नीचे वाले को सिलेक्ट करना। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद टाइम जोन सिलेक्ट कर लेना, यहाँ से आपने कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। ऊपर से आपने इसकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी, तो मैं यहाँ से कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लेता हूँ।
यहाँ से तो मैं स्पोर्ट्स को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने कंट्री सिलेक्ट करनी है, आप कौन सी कंट्री में, तो यहाँ से मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, पाकिस्तान हो गया। और कराची टाइम जोन वो ओके हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपने नीचे आना, तो यहाँ आपको मिल जाता है गेट, एक मिनट जूम करता हूँ मैं, यहाँ मिल जाता है गेट ट्रैकिंग आईडी, आपने इस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ से आपने ये इसका कुछ रूल वगैरह वो आपने पढ़ लेने, पढ़ने के बाद आपने यहाँ आपको टिक करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट, ठीक है, वो क्या इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। और उसके बाद और भी कुछ है, यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है, आपने यहाँ से सिलेक्ट कंट्री चेंज करनी है, हम यहाँ से कर लेते हैं पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान हो गया। डब्बे सा जो आ रहा है इसमें टिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे एक और आपको मिलेगा, उसमें भी आपने टिक कर लेना, टिक करने के बाद आपने आई एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। आई एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो मैं इसको नो थैंक्स करता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ आपको मिल जाएगा आपका आईडी नंबर, ट्रैकिंग आईडी, ठीक है। तो ये देखो आपका ट्रैकिंग आईडी आ गया, मैं यहाँ से जूम करके आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जूम हो जा, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ट्रैकिंग आईडी लिखा UA125072024 1, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद आपने इसको वहाँ जाकर पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ आ गया मैं अपने चैनल में वापस, यहाँ आकर इसको आपने पेस्ट कर देना, सॉरी यहाँ नीचे आना है, ठीक है, पेस्ट कर देना। उसके बाद आपने यहाँ सेव पर क्लिक कर देना। जैसे ही आपने सेव पर क्लिक करना तो आपकी ये आईडी यहाँ सेव हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, ये इतना सा ही था जो आपको मैंने बता दिया, इस तरह इसकी आईडी बनाते हैं और आपने यहाँ आईडी को सेव कर लेना, लगा लेना। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ क्या कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे टेक्निकल शिराजी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और शिराजी स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। Oh man, if you look in my heart, you will come discover I am not about any other player. Tell it, tell it. Give me just a 1 minute, girl, don't you make it difficult, and you will see that. I-